डुरंड रेखा पर तालिबान का जंगी फरमान, दोस्ती से दुश्मनी की तरफ बढ़े पाकिस्तान तालिबान। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों के खात्मे के लिए जापान बना रहा महाविनाशक हथियार, समुद्र में दुश्मनों को उल्टे पांव भगाएगा जापान का रेलगन ब्रह्मास्त्र। नमस्कार दोस्तों, प्लेनेट फोर पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों बारी बारी से इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसे डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी यह रेखा दोनों देशों के बीच जंग का एक मुद्दा बन गया है, जिसकी वजह से दोनों देश आमने सामने की स्थिति में आ गए हैं। जिस प्रकार से LOC और LSE पर भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य हालात है, कुछ वैसे ही हालात अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर शुरू हो गए हैं। लेकिन अब जो ताजा खबर आ रही है उसने इन हालातों को और ज्यादा पेचीदा कर दिया है। अब हमारे मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अफगानिस्तान के कब्जे के समय, उससे पहले और उससे कुछ समय बाद तक तालिबान और पाकिस्तान की जोड़ी खूब सुर्खियां बटोरी थी। अफगानिस्तान में तालिबान के राज स्थापित होने के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक तालिबान के झंडे फहराए गए थे। पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्रियों ने तालिबान को बधाई संदेश भेजे थे, लेकिन इतने कम समय के अंदर आखिर क्यों पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान हो गया? आखिर डुरंड रेखा को लेकर मामला क्या है? इसको लेकर हमने आपको कई वीडियो के अंदर डिटेल से जानकारी दी है और यह मामला कब से शुरू हुआ इसके बारे में भी बताया है। लेकिन अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो आपको बता दूं कि डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए एक रणनीतिक चिंता का विषय है, लेकिन जो विवाद है उसके पीछे पाकिस्तान अपने अस्तित्व संबंधी कारण बताता है। इसी बीच नवंबर 2021 के आरंभ में पाकिस्तान ने तालिबान को धमकी देते हुए कहा था कि यदि सीमा पर बाड़ लगाने से इनकार किया तो अफगानी लोगों को डुरंड रेखा के आर पार आने पर रोक लगा दी जाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डुरंड रेखा का हवाला देते हुए पाकिस्तान तालिबान को ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं तालिबान सरकार ने यह स्पष्ट किया कि उसे डुरंड रेखा के पास इस तरह की शर्तें अस्वीकार है। बता दें कि डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पारंपरिक पश्तूनों को विभाजित करती है। हाल ही में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के नए शासक तालिबान ने बड़ा झटका दिया और डुरंड रेखा पर तारबंदी का विरोध किया है, जिसके बाद दिसंबर में यह मामला और ज्यादा भड़क गया और बाजौर इलाके के गांव गंगजाल, सरकानों और कुन्नेर में तालिबान के लड़ाके और पाकिस्तान की सेना आमने सामने हो गई। तालिबान के लड़ाकों ने बाड़बंदी को उखाड़ कर फेंका और बाड़बंदी का सामान अपने साथ लेकर चले गए। साथ ही भयंकर रूप से वहां पर गोलीबारी हुई। करीब 30 मिनट तक खतरनाक तरीके से गोलीबारी हुई, जिसमें कई रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की ओर से लगभग 150 से ज्यादा मिसाइलें अफगानिस्तान पर दागी गई, जिसमें जनहानि की खबरें भी आई थी। साथ ही पाकिस्तानी रेंजर्स के मारे जाने की भी सूचना मिली थी, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तानी सेना की ओर से भी अफगानिस्तान को सीधी चुनौती दी गई कि वो अपने सैनिकों के हथियारों को ऐसे ही नहीं बख्शेगी। ऐसे में दोस्तों दोनों देशों के बीच टकराव खतरनाक मोड में पहुंच चुका है। अफगानिस्तान की ओर से इस बाड़बंदी का साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है, जिसके बाद समय समय पर गोलीबारी, फायरिंग, शेलिंग आदि हो रही है। वहीं दोस्तों अब जो ताजा खबर मिली है उसके मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कहा कि वह डुरंड रेखा पर पाकिस्तान को किसी भी तरह बाड़बंदी की अनुमति नहीं देगा। सीमा पर बाड़बंदी के मुद्दे को लेकर दोनों पड़ोसी मुल्कों में बढ़ रहे तनाव के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है। मीडिया से आई खबर में यह जानकारी दी गई है। अफगानिस्तान में इस समय तालिबान की सरकार है जो पाकिस्तान की बेहद करीबी है। पाकिस्तान ने ही इस संगठन को अफगानिस्तान पर कब्जा करने में मदद करी थी, लेकिन अब इन दोनों की दोस्ती दुश्मन की तरफ बढ़ती जा रही है। तालिबान कमांडर मौलवी सनाउल्लाह संगीन अफगानिस्तान के टोलो न्यूज से बुधवार को कहा कि हम तालिबान यानी कि कभी किसी तरीके से बाड़बंदी की अनुमति नहीं देंगे। पाकिस्तान पहले जो भी किया वो कर लिया, हम आगे इसकी इजाजत नहीं देंगे, अब कोई बाड़बंदी नहीं होगी। संगीन का यह बयान तब आया जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि मामले को कूटनीतिक माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिया जाएगा। कुरैशी ने सोमवार को इस्लामाबाद में संवाददाताओं से कहा था कि कुछ उपद्रवी तत्व इस मुद्दे को बिना वजह उछाल रहे हैं, लेकिन हम इस पर गौर कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान सरकार के साथ संपर्क में हैं, उम्मीद है कि हम कूटनीतिक तरीके से इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। डुरंड रेखा की बात करें तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2670 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है।
दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस स्थान पर हल्की फुल्की झड़प की घटनाएं कई बार हो चुकी है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने काबुल की आपत्तियों के बावजूद इस सीमा पर बाड़बंदी का 90% काम पूरा कर लिया है। अफगानिस्तान का कहना है कि अंग्रेजों के शासनकाल की इस सीमाबंदी ने दोनों ओर से कई परिवारों को बांट दिया है, जबकि पाकिस्तान इस पर जोर शोर से काम कर रहा है। पाकिस्तान को जहां लगता था कि तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद उसे फायदा होगा, वैसा हुआ नहीं, क्योंकि जब से इस आतंकी संगठन ने अफगानिस्तान में उसकी सरकार बनाई है, तब से पाकिस्तान में आतंकी हमले भी रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों, अब ये तालिबान का जंगी फरमान कि हम बाड़बंदी को नहीं बनने देंगे, ये कहीं भी लेकर जा सकता है इस स्थिति को, क्योंकि पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि वो जल्द से जल्द बाड़बंदी का काम पूरा करे, लेकिन अफगानिस्तान इस शर्त को अस्वीकार करता है और इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जैसा कि घटनाएं हमें दिसंबर के अंदर देखने को मिली, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों की भी मौतें हुई थी। चीन रूस से तनाव, हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए रेलगन बना रहा जापान। दोस्तों, चीन, रूस और उत्तर कोरिया की हाइपरसोनिक मिसाइलों की बढ़ती पहुंच को देखते हुए जापान ने अपनी रक्षा तैयारियों को तेज कर दिया है। जापान एक ऐसे रेलगन को विकसित करने की योजना बना रहा है जो किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिरा सकती है। पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर जापान का रूस और चीन के साथ काफी पुराना विवाद है। उधर चीन के समर्थन में उत्तर कोरिया भी कई बार जापान को धमकी दे चुका है। निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार जापानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वे रेलगन तकनीक को विकसित करने पर काम कर रहे हैं। ये रेलगन चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिक करंट को प्रभावित कर प्रोजेक्टाइल यानी कि गोलों को फायर करने में सक्षम होगी। इस तकनीक पर विकसित रेलगन बाकी के हथियारों की तुलना में कम समय में ज्यादा तेजी से गोलों को फायर कर सकती है। इसकी स्पीड भी किसी पारंपरिक हथियार से फायर की गई गोले की तुलना में बहुत ज्यादा होगी। यह नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम जापान को लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ कई लेयर की सुरक्षा प्रदान करेगा। हाइपरसोनिक के हथियार ध्वनि से 5 गुना तेजी से उड़ान भरते हैं। वर्तमान में रूस और चीन हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित करने में सबसे आगे हैं। रूस के पास तो दुनिया के सबसे तेज उड़ान भरने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकोन है, वहीं चीन भी लगातार हाइपरसोनिक मिसाइलों को टेस्ट और तैनात कर रहा है। इस कारण जापानी नीति निर्माता हाइपरसोनिक हथियारों को अगली पीढ़ी के सैन्य हथियारों के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि जापान को विशेष रूप से चीन के संबंध में अपनी रक्षात्मक क्षमता को तत्काल मजबूत करना चाहिए। यही कारण है कि जापानी रक्षा मंत्रालय मिसाइलों को रोकने के लिए नहीं बल्कि किसी भी गोले को मार गिराने के लिए रेलगन सिस्टम को विकसित कर रहा है। चीन और जापान में पूर्वी चीन सागर में स्थित द्वीपों को लेकर आपस में विवाद है। दोनों देश इन निर्जन द्वीपों पर अपना दावा करते हैं, जिन्हें जापान में सेनकाकू और चीन में डियाओस के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों का प्रशासन 1972 से जापान के हाथों में है। वहीं चीन का दावा है कि ये द्वीप उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और जापान को अपना दावा छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तो इन पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे चुकी है। जापान कुरील द्वीपों पर अपने क्षेत्रीय अधिकारों का दावा करता है। जापान इन द्वीपों को उत्तरी क्षेत्र कहता है। सोवियत संघ ने उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में अपने कब्जे में ले लिया था और तब से इनको लेकर विवाद बरकरार है। समझौते पर बातचीत करने के लिए दशकों से चल रहे राजनयिक प्रयासों का अब तक कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकल सका है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रूस के साथ इस विवाद को खत्म करने के लिए काफी प्रयास भी किए थे। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपना विचार जरूर बताइएगा। जय हिंद।